नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेणुबाला। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कुकिंग विद रेणुबाला में। तो क्रिसमस के लिए आज हम फ्रूट केक बनाने जा रहे हैं, जिसे आप घर में बहुत आसानी से बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट से तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक कप लिया है मैंने बारीक वाली सूजी, आधा कप लिया है हमने पीसी हुई शुगर, 1/4 कप लिया है कस्टर्ड पाउडर, इसमें से मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, ये डिब्बी मिल जाती है। और ये कस्टर्ड फ्रूट केक बनेगा। और ये टूटी फ्रूटी लिया है, अगर आपके पास बेरीज हैं तो आप ले लें, अदरवाइज इसके बिना भी चल जाएगा। ये हमारे पास है कुकिंग ऑयल 1/3 कप लेंगे, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून लेंगे, बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून लेंगे, इसमें दही है मेरे पास और इसमें है दूध। जो दूध है वो हमें 200 ml से लेकर 220-230 ml तक लग जाता है, और जो दही है वो हमें आधा कप चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सूजी है उसे एक बाउल में ऐसे निकाल लेंगे। तो सूजी के साथ हमें चाहिए, मैंने बोला ना कि दूध और दही। तो दूध पहले हम ये 150 ml के इसके ऊपर निशान लगे हुए हैं, मैं देखिए ये सारे निशान लगे हैं, मैक्सिमम ये 150 ml है, तो मैं इसमें से दूध का मेजरमेंट करके ले लूँगी। पहले ये 150 ml ले रहे हैं, तो और ज़रूरत पड़ेगी तो और इसमें से ही हम लेंगे। ठीक है जी, ये दूध हम सूजी में धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। ये कस्टर्ड फ्रूट को बनाने में भी बहुत आसान है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा बनता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इसे घर में अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध हम और डाल लेंगे, क्योंकि मैंने अच्छा 200 ml आप पहले आप डाल के देख लेना, और 10-20 ml अगर ऊपर भी डाल दोगे तो ज़्यादा बढ़िया बनता है। तो इसी के साथ मैंने आधा कप मेरे को चाहिए होगी दही। जो चीनी है मैं इसमें बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, बड़े कप में, ताकि मेरी दही की जो मेजरमेंट है वो ठीक बैठ जाए। तो ये मेरे पास वो 150 ml था ना, तो मैंने थोड़ा सा दूध और ले लिया है, क्योंकि 200 ml से 10-20 ml यानी कि 220 तक तो इसमें लग ही जाता है। तो ये मैं दूध मिक्स कर रही हूँ। देखिए दूध डालने से इस प्रकार हो गया है, ये आधा कप मैं ले रही हूँ दही, क्योंकि जो चीनी थी आधा कप वो मैंने बड़े कप में निकाल दी है, एक जो एक कप का मतलब एक कप था उसमें ट्रांसफ़र कर ली थी, क्योंकि मैंने मेजरमेंट लेना था इसका कि हमारा जो बिल्कुल सही चीज़ों से नापतोल से हमारा बन जाए, कोई गड़बड़ ना हो। तो अब तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स करके 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। ठीक है जी, देखो मैंने ना दूध 215 के बीच ही मिलाया है, 210 ml, 200 ml से यानी के ज़्यादा मिलाया है, 1-2 चम्मच, इससे ना वो बढ़िया बनता है केक। अब मैं इसे रेस्ट पे रख दूँगी। ठीक है जी, इस प्रकार से हम रेस्ट के लिए 10 मिनट छोड़ देंगे, बाकी का करेंगे प्रोसीजर आगे। तो वो क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाऊँगी। हमारी जो बैटर को रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, यानी कि 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का कंटेनर लेंगे, हैं इसमें हम आधा कप शुगर ऐड कर देंगे। ये मेरा मिक्सी का जो है शुगर वाला ही है, इसमें मैंने शुगर को पीसा था। तो ये जो हमने बनाकर रखा है इसे फिर हाथ से भी हमें विप नहीं करना पड़ता, इसका ये फ़ायदा है हमें, बहुत बढ़िया हमारा जो है वो मिक्सर तैयार हो जाता है, हाथ से विप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही बढ़िया भी बनेगा। तो इसी के साथ हम इसमें 1/4 कप ये वेनिला कस्टर्ड है, हमें एसेंस डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसका कलर भी बहुत सुंदर आएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा
थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। मैं तो कलर नहीं ऐड करती, कस्टर्ड ही डाल देती हूँ। तो ये कस्टर्ड केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हमें इसे एक मिनट के लिए चला देंगे। इस क्रिसमस पर और न्यू ईयर पर आप इस मेरी रेसिपी को ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा और रिजल्ट भी मेरे को बताना कि कैसा आपका बना। देखिए एक मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरह से कर लिया, कलर कितना प्यारा आया है और असेंस की खुशबू भी इसमें आएगी। अब हमने जो मिक्सी के कंटेनर में एक मिनट के लिए इसे मिक्स किया था, अब उसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है उसी बाउल में। तो अब हम क्या करेंगे, जो आधा कप का मेजरमेंट है अगर हम नीचे लेते हैं तो वन थर्ड कप बन जाता है, जो निशान रहता है ना इसमें अंदर लगा हुआ है। तो मैंने वन थर्ड कप इसमें ऑयल ले लिया है। जब मतलब कि ऑयल को हम इस मिक्स में करती हैं तो ये थोड़ा मुश्किल से मिक्स होता है, तो इसलिए हम एक मिनट से अच्छी तरह ऑयल और दूध दही को मिक्स करेंगे। तो ऐसे इस प्रकार से देखिए कलर बिल्कुल उसी तरह का बना है जो हम ब्रिटानिया वगैरह का बाज़ार से लेकर आते हैं, तो टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा। अच्छा एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, जो आपने ऑयल केक में मिलाना है वो आपको इस प्रकार का मिलाना है जिसमें कोई स्मेल ना हो, गंध ना हो। मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है, इसमें मतलब के कोई गंध नहीं आती। कोई भी तेल जिसमें से आपको स्मेल ना आए, जैसे सरसों के तेल में तीखी स्मेल होती है, वे कभी ना मिलाए। नारियल के तेल में तीखी होती है, वो ना ऐड करें। तो सोया तेल में भी आती है थोड़ी थोड़ी, तो वो ना ऐड करें। जिस तेल में नहीं होती गंध वो ही स्मेल ना हो, स्मेल लेस जिसमें हो वही तेल आपको मिक्स करना है। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास एक टीस्पून का मेजरमेंट है, तो इससे मैं एक टीस्पून तो लूँगी बेकिंग पाउडर। ये मेरे पास है बेकिंग पाउडर, तो इसी के साथ मैं 1/4 टीस्पून लूँगी बेकिंग सोडा। तो जैसे ये एक रहता है ना, ये हो गया आधा, तो आपको क्या करना होता है इसका भी आधा कर ले। जब वो मेरे पास तो है मेजरमेंट के लिए, मैं उससे भी ले सकती हूँ 1/4 टीस्पून। ये रहा हमारा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे बोलते हैं खाने वाला। तो इससे सॉफ्ट होता है, जो बेकिंग पाउडर होता है उससे केक फूलता है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स, ताकि जो ऑयल है वो भी एक जान हो जाए, बेकिंग पाउडर भी, बेकिंग सोडा भी। तो सभी चीज़ों को एक मिनट के लिए हमें हाथ से विप करना है। तो अपना बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला था, यानी कि मीठा सोडा, उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है विप करके। आप हाथ से या विप करेंगे, मिक्सी से नहीं करेंगे, ऐसे अच्छी तरह, तो ताकि अच्छी तरह मिक्स हो। देखो ऑयल भी हमारा ऊपर नहीं है, वो भी एक जान हो गया है, मिक्स हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो कंटेनर लेना है, मैं बिल्कुल बाजार जैसा फ्रूट केक बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस प्रकार का रेक्टेंगुलर कंटेनर लिया है। तो इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ऑयल इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब हम केक को बाहर निकालेंगे, यानी कि डीमोल्ड करेंगे, तो हमारा केक आसानी से छूट जाए। इसे कहते हैं कंटेनर को तैयार करना। अब हम अपने कंटेनर को तैयार कर रहे हैं ऑयल लगाकर। तो मैं चारों तरफ से, विशेषकर जो किनारे नहीं रहते, जो खुंजे कॉर्नर, इसे मैं तेल लगाऊंगी, क्योंकि जो पकड़ लेते हैं फिर आसानी से निकलता नहीं है। तो उधर हमने अपना जो ओवन है वो भी प्री हीट करने के लिए रख दिया है, पहले यानी के पहले थोड़ा गर्म हो जाए, उसे बोलते हैं प्री हीट, ताकि हमारा केक अच्छी से निकल जाए। ये मेरे पास है मैदा, अगर आपके पास मैदा ना हो तो आप जो गेहूं का आटा रहता ना चपाती के लिए, उससे भी ऐसे ऐसे लगाना है। इसे बोलते हैं डस्ट करना। इससे जब हम केक को बाहर निकालेंगे, यानी के कंटेनर से चढ़ाएंगे, तो बड़ी आसानी से छूट जाता है। ये चारों तरफ से अच्छी तरह करना होता है, नहीं तो केक छुड़ाने में हमें दिक्कत आती है, टूट जाता है केक, आसानी से नहीं निकलेगा। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से आप डस्ट कर लें।
क्योंकि जो बिगनर होते हैं उन्हें तो फिर ज़्यादा ही दिक्कत आती है ना। देखिए इस प्रकार से सारा केक हमने डस्ट कर लिया है, कंटेनर तैयार कर लिया है। अब थोड़ी सी जो टूटी फ्रूटी है, ये दो कलर की है मेरे पास, ग्रीन रेड और थोड़ी सी ऑरेंज भी है बीच में येलो कलर की, तो आप इक्वली स्प्रेड कर दें। इसमें भी आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, इससे पता है क्या होता है, जब मैदा लगा लेते हैं वो ना फिर नीचे नहीं बैठेगी। इसे भी ऐसे थोड़ा सा मैदे के साथ हम कर लेंगे, जो बीच में डालेंगे ना इसमें तो चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो तो नीचे ही रहेगी, ऊपर आ जाएगी बाद में जब हम साइड चेंज करेंगे। जितनी भी आप डालना चाहे, तो अगर आपके पास बेरीज है, मेरे पास ये मिक्स बेरीज भी हैं, ये बच्चों को पसंद रहती है, मैं थोड़ी ये भी डाल दूँगी कि थोड़ा अच्छा भी लगता है और टेस्ट भी आता है। ब्लूबेरीज है, रेड बेरीज है, इसमें पता नहीं तरह तरह की, कितनी तरह की है, बाजार से लेकर आए थे पैकेट, तो काफ़ी तरह की है, यानी कि मेरे कहने का मतलब है, तो अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, जो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे जो मटेरियल है हमारा डाल देंगे, और जो हमारे बेरीज हैं वो मतलब के है जो बीच में भी आई, तो इसलिए थोड़ा बीच में भी डाल देंगे। देखिए जो नीचे नहीं बैठ रहा, क्यों नहीं बैठ रही, क्योंकि हमने इसमें जो मैदा है वो डस्ट कर दिया है। तो थोड़ी सी ऐसी मैं बेरीज भी इसमें स्प्रिंकल कर दूंगी, थोड़ी सी हम ऊपर बेरीज लगा देंगे, ताकि जो हमारा फ्रूट केक है बिल्कुल बाजार जैसा टेस्टी और देखने में भी कलर वगैरह ओसा ही आए। सारा बैटर मैंने इसमें उड़ेल दिया है जो हमने तैयार किया था, उसके साथ ही जो हमारे पास ये ब्लूबेरीज और मिक्स बेरीज टूटी फ्रूटी थी वो भी मैंने डाल दिया। इस प्रकार से हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर 50 मिनट के लिए, 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये मैंने कन्विक्शन मोड पर माइक्रोवेव को लगाया है, ये कन्विक्शन मोड पर है, तो अब मैं इसे रखने जा रही हूँ ओवन में। अब हमने प्री हीट के लिए रख दिया है ओवन को, तो फिर हम 180 डिग्री पे 180 डिग्री पर इसे कन्विक्शन मोड पर 50 मिनट्स के लिए, यानी के 50 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। ये बिल्कुल बाजार जैसा, जैसे ब्रिटानिया और बहुत सी अच्छी कंपनियों के फ्रूट केक आते हैं, कस्टर्ड फ्रूट केक तैयार होगा। इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा और हेल्दी भी है। घर में हमें अच्छे ऑयल से बनाया है और सूजी से बनाया है, मैदे का प्रयोग नहीं किया है, तो ये बहुत ही अच्छा केक हमारा बनकर रेडी होगा। बस ये प्री हीट हो जाए, फिर मैं रखने जा रही हूँ इसे ओवन में। हमारा ओवन प्री हीट हो गया है। अब मैंने इस कंटेनर को मतलब के माइक्रो में कर दिया है ट्रांसफ़र, तो और माइक्रो को ये ध्यान रखना है, मैंने कन्विक्शन मोड पे लगाया है। और अब हम करेंगे इसे बंद, तो अब मैं इसे सेट कर लूंगी 180 डिग्री पे 50 मिनट्स के लिए। फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसे चेक करना है कि केक प्रिपेयर्ड है या नहीं है, कच्चा है, कैसा है, वो मैं आप सब सारा कुछ आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस प्रकार से चेक किया जाता है, किस प्रकार से ठंडा करके हम इसे निकाल लेंगे, यानी कि डीमोल्ड करेंगे। जो हमारा टाइम था वो पूरा हो गया है, अब हम इसे निकाल कर देखते कि कैसा है। पहले जो टूथपिक्स लिया है, कोई भी आप सीखा तीखी चीज़ ले ले, उससे ये चेक कर लेंगे कि ये बन गया है या नहीं, तो पहले ऐसे डालकर चेक करेंगे। अगर बिल्कुल साफ निकला है, इट मीन ये अंदर तक पक गया है, कच्चा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे आपको चेक करना होता है। अगर ये पक जाएगा तो बिल्कुल साफ हमारा टूथपिक्स निकलता है। तो अब हमने चेक तो कर लिया, क्योंकि टाइम भी पूरा था, पहले मैं घर में बनाती रहती हूँ तो मेरे को ऐसा था कि 50 मिनट में बन जाता है, तो
तो परंतु बात ये थी कि एक बार ना जी बीच में ओवन बंद हो गया, पता नहीं तो लाइट ने ड्रिप एक एक बार ऐसे झटका दिया था, तो जब मैंने द्वारा लगाया अंदाजे से लगाया तो इसलिए मेरे को शक था कि पता नहीं बना है कि नहीं, परंतु ये बन गया है क्योंकि हॉर्न तो बजा नहीं था, वैसे कोई लाइट चली गई थी तो इसलिए जो फट गया थोड़ा, अदरवाइज फटता नहीं है। और फटे का मतलब भी यही होता है कि केक हमारा कच्चा नहीं है, मैंने अंदाजे से टाइम लगा दिया था ना जब बंद हो गया था ओवन बीच में। तो अब पहले हमें ऐसे चक्कू से इसे ठंडा होने देते हैं, ठंडा मैंने कर लिया था, तो ठंडा करने के पश्चात ही आपको निकालना होता है। आप इंतजार करें कि जो केक है हमारा वो ठंडा हो जाए, फिर ये आसानी से अपनी मतलब के दीवारों को, कंटेनर की दीवारों को छोड़ देता है और टूटता नहीं है। अगर आप गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये केक बीच में टूट भी सकता है, पूरा अच्छी तरह नहीं निकलेगा, डीमोल्ड नहीं होगा। ऐसे मैंने चाकू से इसे पहले कर लिया है थोड़ा, फिर देखते हैं कि निकल रहा है कि नहीं। लूक बारम सा है, बिल्कुल ठंडा करके ही निकालना चाहिए। केक हमारा बहुत अच्छा बेक हुआ है और देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा बढ़िया केक बना है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए दोनों तरफ से कितना, ये स्पोंजी भी है, मैं इसके आपको पीस भी करके दिखाऊंगी। देखिए एकदम से कितना स्पोंजी है, बिल्कुल बाज़ार जैसा बना है, जैसा कि हम बाज़ार से मार्केट से लेकर आते हैं ब्रिटानिया का और चीज़ों का। तो अब मैं इसे आपको स्लाइसिस करके बताऊँगी कि किस प्रकार से आप स्लाइसिस कर सकते हैं, ताकि स्पोंजी भी बिल्कुल बना है। देखिए देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बना है। एक चीज मैं दिखाती हूँ, देखिए कितना स्पोंजी है, कितना जालीदार बना है। देखिए ये नेक्स्ट पीस है, कितना ज्यादा स्पोंजी और कैसा दब रहा है। अभी गर्म है थोड़ा तो फिर अच्छी तरह सेट हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे इसके स्लाइसेस बने हैं, बिल्कुल बाजार जैसे। आप भी हाँ अपने नव वर्ष पर और न्यू हैप्पी न्यू ईयर पर और क्रिसमस पर ऐसा ही घर में मार्केट स्टाइल जैसा फ्रूट केक बनाकर ट्राई कर सकते हैं। इसका कलर भी बहुत सुंदर आया है, देखिए बिल्कुल जैसा कि हम ब्रिटानिया वगैरह का लेकर आते हैं मार्केट से, उसी प्रकार का ये बना है। दो चारों तरफ से जाली बहुत अच्छी बनी है, बहुत स्पोंजी बना है। अभी थोड़ा ना गर्म था, जैसे हम बोलते हैं कि ल्यूक बारम सा कोसा कोसा है, जब पूरी तरह से ठंडा हो जाता है ना फिर सेट हो जाता है, इतना मतलब कि सॉफ्ट बहुत बना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पीसीज हैं, स्लाइसेज हैं, बिल्कुल बाजार जैसे निकले, तो आपको थोड़ा इंतजार करके ही काटना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होने पर, फिर बिल्कुल साफ साफ पीसीज की कटिंग होती है। इसकी जाली बहुत बढ़िया बनी है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ से मैंने आपको दिखा दिया रहा है और कितना स्पोंजी है, बहुत ही स्पोंजी बना है। आप भी इस प्रकार मेरे को फॉलो करते हुए घर पे फ्रूट केक जो ट्राई कीजिए, अपने क्रिसमस को और नवे वर्ष को, नव वर्ष को इसकी मिठास से भरिए। तो आप मेरे इस रेसिपी को ट्राई करने के पश्चात कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें कि मेरी बनाई हुई रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद और पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं।